ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में ऐसे भी वहां से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पतली पतली गलियों में, थोड़ी थोड़ी जितनी मुझे पतली गलियां मिलेंगी उसमें जाकर आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे चलाते हैं पतली गलियों में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। ये देखिए, यहाँ पर ई रिक्शा वाला खड़ा है, तो इससे बचा कर हम इजीली यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। पतली गलियों में बच्चों का पहले ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्लो स्पीड में चलना है, कभी भी बच्चे कहीं से भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में जो खंबा है, राउंड है, उसके अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे थोड़ा सा अपना बैक साइड का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने धर ली। और अब ऐसे अगर मैं ज़्यादा इसे काट दूंगा तो ये मेरा टच हो सकता है पीछे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गाड़ी कैसे निकलेगी। तो दोस्तों, मेन चीज़ तो देखिए आपका अंदाज़ा ही है, अंदाजे से ही गाड़ी चलती है, अंदाजे से ही चला रहा हूँ। बस थोड़ी सी आगे आया, देखा जगह है आगे थोड़ी सी, यहाँ दाब दी, ये देखिए निकल गई आराम से। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का हमें बस साइडों का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है टाइम के साथ साथ, बाकी देखने के लिए मिरर हैं, साइडों को इसमें देखकर चलना पड़ता है। अब इधर की साइड चलते हैं। गलियों में दोस्तों हॉर्न का और अपनी स्पीड का ध्यान रखें, बाकी जो साइड वगैरह है वो तो आप मिरर में देख ही सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है कि मेरी गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी, तो या तो किसी से पूछ लें कि निकल रही है सामने से या नहीं, या फिर उतर के देख सकते हैं आप खुद। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड गियर पर ही गाड़ी चलाएं, खाली क्लच से कंट्रोल करें। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत लग रही है कि हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि नहीं निकलेगी, बाकी और कुछ है नहीं, बस आपका अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं यहाँ से निकाल लूँगा नहीं निकाल लूँगा, वो ज़्यादा मैटर करता है। जगह तो है ही और होनी भी चाहिए, तभी निकलेगी गाड़ी। ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में ऐसे भी वहाँ से आपको मिलेंगे। सबसे बचा कर निकालें, और ये जो कुत्ते सोए हुए होते हैं ना, इनसे ज़्यादा दिक्कत होती है बस इन्हें बचा कर निकालने में। देखिए नेताजी कैसे खड़े हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।